नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार उपचुनाव में इन प्रत्याशियों की हुई जीत। 28 सड़कों के किनारे विकसित होंगे 160 केंद्र। बिहार में भूमिहीनों को जल्द मिलेगी जमीन। सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने सोनपुर मेला को बनाया खूबसूरत। T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार उपचुनाव में इन प्रत्याशियों की हुई जीत। बिहार उपचुनाव में मोकामा और गोपालगंज सीट से वोटों की काउंटिंग खत्म हो गई है। मोकामा उपचुनाव में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी और राजद प्रत्याशी नीलम देवी ने भाजपा प्रत्याशी सोनम देवी के खिलाफ करीब 17,000 वोटों से यह चुनाव जीत लिया है। वहीं गोपालगंज में भी कांटे का टक्कर रहा। गोपालगंज में राजद के मोहन गुप्ता भाजपा से पीछे रहे। 21वें राउंड तक लगातार बीजेपी ने बढ़त बनाई रखी और अंत में RJD प्रत्याशी मोहन प्रसाद को हराते हुए बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने 2,183 वोटों से जीत अपने नाम कर लिया। 28 सड़कों के किनारे विकसित होंगे 160 केंद्र। बिहार में जन सुविधाएं विकसित करने के लिए 38 सड़क मार्ग के किनारे 160 मार्गीय सुविधा केंद्र विकसित किया जाएगा। इसका निर्माण पर्यटन सर्किट के हर मार्ग पर किया जाएगा। पर्यटन सर्किट के बीच बनने वाले इन मार्गीय सुविधा केंद्रों में फूड प्लाजा, शौचालय, वॉशरूम, हस्तशिल्प की दुकान, प्राथमिक चिकित्सा, ATM, वाहन धोने की सुविधा, वाहन मरम्मत की दुकान, बच्चों का खेल क्षेत्र, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, ट्रैवल डेस्क जैसे सभी क्षेत्र उपलब्ध रहेगा। पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ने वाले छात्रों की जांच। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव 19 नवंबर को होना है। ऐसे में पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पटना के 6 थानों से छात्रों के आपराधिक रिकॉर्ड मांगे। इन रिकॉर्ड और नॉमिनेशन पत्रों की जांच कर यह पता लगाया जाएगा कि उम्मीदवार आरोप पत्रित अथवा सजायाफ्ता तो नहीं है। अगर जांच में निर्धारित मापदंड के अनुसार उम्मीदवार खड़े नहीं उतरेंगे तो उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि उम्मीदवारों के नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनी 11 नवंबर को होगी। विभा कुमारी ने लिखी भ्रष्टाचार की कलंक कथा। बीते दिन आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा शिक्षा विभाग की डिप्टी डायरेक्टर विभा कुमारी के खिलाफ उनके पटना स्थित दो और वैशाली के धर्मपुर स्थित ससुराल में छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी के दौरान करीब 1,39,000 रुपए जब्त किए गए, जबकि 18 बैंक खातों और 50 लाख के फिक्स्ड डिपोजिट के बारे में भी जानकारी मिली है। बता दें कि विभा कुमारी के खिलाफ उनकी आय से अधिक 1,88,00,000 से ज्यादा की संपत्ति पाई गई है। इसके अलावा कई बैंकों में उनके फिक्स डिपॉजिट के कागजात मिले हैं, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक के खातों और 18,80,750 रुपए, ICICI बैंक में 11 लाख रुपए, वहीं सेंट्रल बैंक में 2, इंडियन बैंक में 1, पटना के कैनरा बैंक में 1 और दिल्ली कैनरा बैंक में 1 खाता मिला है। इसके साथ ही उनके पास 3 प्लॉट और 1 बीघा में आलिशान मकान भी मिला है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में 5 दिसंबर को वोट डाला जाएगा। इस सी को देखते हुए बीते दिन DM प्रणब कुमार और SSP जयंत कांत ने समाहरणालय सभागार में बैठक किया। इस दौरान पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखें। बता दें कि कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता की संख्या 3,11,728 है और बूथ की संख्या 320 है। अग्निवीरों की बहाली के लिए नई तिथि घोषित। अग्निपथ स्कीम के तहत बिहार और झारखंड क्षेत्रीय सेना भर्ती कार्यालय के द्वारा सेना में अग्निवीरों की बहाली की नई तिथि घोषित कर दी गई है। बता दें कि पहले इसकी तिथि 23 अक्टूबर तक निर्धारित की गई थी, जिसे बदलकर अब 1 से 14 दिसंबर तक कर दिया गया है। ये भर्ती गोपालगंज, वैशाली, सारण, पटना, सिवान, बक्सर और भोजपुर के युवकों के लिए होगी। इसके अलावा 14 दिसंबर को बिहार और झारखंड के सभी जिलों की महिला आवेदकों के लिए भर्ती रैली होगी। रैली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को 15 नवंबर तक एडमिट कार्ड उनके मेल पर भेज दिए जाएंगे। बिहार में भूमिहीनों को जल्द मिलेगी जमीन। बीते दिन शनिवार को भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि 50-60% हिंसक अपराधों की जड़ें भूमि विवादों में ही हैं। इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए बिहार में एयर सर्वे का काम चल रहा है, जिससे आधा विवाद खुद समाप्त हो जाएगा। बता दें कि एयर सर्वे का काम 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही जमीनी दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन होने से जमीन विवाद के मामलों में काफी कमी आएगी। नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हुई संदिग्ध महिला से पूछताछ जारी। नेपाल बॉर्डर पर 1 नवंबर को एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया गया था, जिससे ATS टीम पूछताछ जारी रखी है। बता दें कि इस महिला का जन्म पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन इसका पासपोर्ट अमेरिका के हैं। इसके अलावा इसके पास से 5 एयरलाइंस कंपनियों के 6 बोर्डिंग कार्ड, 3 मोबाइल फोन, 3 मेमोरी कार्ड,
एक टैब भी मिले हैं। फिलहाल पूछताछ से क्या सामने आया है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। इस महिला का नाम फ्लाइट टिकट के अनुसार सना अख्तर बताया जा रहा है। सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने सोनपुर मेला को बनाया खूबसूरत। विश्वविख्यात सोनपुर मेला को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। बता दें कि इस बार के मेले में पर्यटन विभाग के मुख्य पंडाल को इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल के विजेता मधुरेंद्र कुमार की सैंड आर्ट ने और भी खूबसूरत बना दिया है। इसमें गजग्रह के युद्ध और भगवान विष्णु के प्रकट होने की मान्यता की कलाकृति बनाई गई है, जिसके निर्माण में 2 ट्रक बालू की खपत हुई है। इस कलाकृति को मधुरेंद्र कुमार के साथ 2 अन्य लोगों के द्वारा बनाया गया है और इसे बनाने में 2 दिन का समय भी लगा है। बिहार में डेंगू के DEN2 स्ट्रेन की पुष्टि। बिहार में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच बीते दिन शनिवार को पटना जिले में 172 नए डेंगू के मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल रोगियों की संख्या 5876 हो गई है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक 28 रोगी बांकीपुर, 21 अजीमाबाद और कंकड़बाग अंचल में 15 मरीज मिले हैं। वहीं अब उम्मीद की जा रही है कि 15 नवंबर के बाद ठंड बढ़ने से मामले में कमी आएगी। इसके अलावा राजधानी में डेंगू के DEN2 स्ट्रेन की पुष्टि की गई है, जिसके बाद लोगों को चाहिए कि वे खुद को मच्छरों से काटने से बचाएं और लार्वा आदि को विकसित नहीं होने दें। कार्तिक पूर्णिमा पर होगा प्रशासनिक इंतजाम। मंगलवार 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मौके पर पटना के गंगा घाट पर 3 लाख लोग स्नान कर सकते हैं। इसी को देखते हुए गंगा घाटों पर 55 मजिस्ट्रेट और 14 सेक्टर पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा घाटों के पास बैरिकेडिंग भी की जा रही है। घाटों पर जाने के लिए अप्रोच रोड बनाए जा रहे हैं। वहीं 7 नवंबर से ही नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। RCPC ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। रविवार यानी कि आज सुबह पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह RCPC ने भागलपुर के सुल्तानगंज में अजगवीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को झेल रही है, यहां किसी को शासन प्रशासन और सुशासन की चिंता नहीं है। बता दें कि इस दौरे के दौरान RCPC सुल्तानगंज विधानसभा के कई क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस क्षेत्रीय दौरे का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं से मिलना और लोगों से संवाद करना है। पप्पू यादव का ऐलान। बीते दिन जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना अंतर्गत फतेहा कलाली चौक पहुंचे, जहां वे सुनील कुमार उर्फ मुन्ना यादव के परिजनों से मिल गहरा दुख प्रकट किया और जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अपराधी चाहे किसी भी जाति का हो, उसे खत्म करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा और सुरक्षा देने की मांग की है। बता दें कि बीते दिन कलाली चौक पर अपराधियों ने सुनील कुमार उर्फ मुन्ना यादव की हत्या कर दी थी। T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की टीम नीदरलैंड से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है और इसी के साथ सेमीफाइनल में भारतीय टीम की जगह पक्की हो गई है। साउथ अफ्रीका मात्र 145 रन ही बना सकी और नीदरलैंड ने इसी के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की। बिहार में पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी 6 नवंबर को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए हैं। प्रदेश में आज पेट्रोल 109.23 रुपये और डीजल 95.88 रुपये प्रति लीटर है। वहीं अगर पटना की बात करें तो पटना में पेट्रोल 107.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर है। वहीं मुजफ्फरपुर में पेट्रोल का रेट 107.98 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.70 रुपये प्रति लीटर है। इसके अलावा पूर्णिया में पेट्रोल 108.71 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.39 रुपये प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.54 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.23 रुपये प्रति लीटर है और गया में पेट्रोल 108.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.31 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम उमेश ऋषिदेव, शंकर मुखिया, रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, मोहम्मद नौशाद, रेजर, कविता कुमारी, नुन्नू, गोलू कुमार, अमन कुमार, बाबूलाल मरांडी, कमलेश कुमार, के सिन्हा, शिफोन कुमार, हीरालाल, सुजीत कुमार और मंगीता भारती। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान से लोगों को कितनी मदद मिल पा रही है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।